हैं कि मदरसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के संदर्भ में संचालित होना चाहिए, जिसमें भाषाई अल्पसंख्यक और भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षा देने का और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा की शिक्षा देने के लिए अपने संस्थान चलाने का अधिकार है। लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का दुरुपयोग करते हुए जो मार्केट में आए हैं, बाजार में आए हैं, वो लोग उस संस्थान में अल्पसंख्यक होते ही नहीं हैं और केवल संचालित करने वाले लोग होते हैं जो शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं और दुष्प्रचार में भी शरीक होते हैं। इसलिए इसकी फिर से व्यापक एक बार चर्चा होना चाहिए और सही अर्थों में भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उनका एक प्रकार नियम प्रक्रिया तय होना चाहिए। देखिए, मदरसे सरकार संचालित करे या नहीं करे, सरकार ने बहुत सारे मान्यता के नियम बनाए हैं और उन नियमों का में हमने कई सारी बातें करने की कोशिश की थी पहले मदरसों में, और अभी भी सरकार उसके प्रति है कि जिन मदरसों में अवैध गतिविधियां चलती है वो मदरसे हाल हालत में बंद होना चाहिए और जो संचालित करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। इस देश के हिंदुओं को संविधान के अनुच्छेद 30 में उल्लेख नहीं होता है, ये केवल अल्पसंख्यक लोगों के लिए होता है। और इस देश में हमारे गुरुकुल जो संचालित होते हैं वो हिंदू समाज के लोगों के द्वारा संचालित होते हैं, वो इस धारा में नहीं आएंगे।